सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन में गहराते संकट के साथ पश्चिमी देशों द्वारा तेल के शीर्ष निर्यातक रूस पर भारी प्रतिबंधों की संभावना बढ़ गई है, जिससे तेल की वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसका असर तेल की कीमतों पर दिख रहा है। सोमवार को तेल की कीमतों में तेजी आई है। ब्रेंट फ्यूचर्स $113 प्रति बैरल पर कारोबार करता दिखाई दिया, वहीं WTI $107 तक। ईस्ट सप्ताहांत की छुट्टियों से पहले दोनों अनुबंधों ने गुरुवार को 2.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की थी। तब जानकारी मिली थी कि यूरोपीय संघ रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगा सकता है। यूरोपीय संघ की सरकारों ने पिछले हफ्ते कहा था कि रूसी कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्तावों का मसौदा तैयार किया जा रहा है, लेकिन राजनयिकों का कहना है कि जर्मनी सक्रिय रूप से तत्काल प्रतिबंध का समर्थन नहीं कर रहा। सप्ताहांत में यूक्रेन तनाव बढ़ने से पहले ये टिप्पणियां आई थीं। यूक्रेनी सैनिकों ने रविवार को मारियूपोल में हथियार डालने के रूसी अल्टीमेटम का विरोध किया और पीछे हटने से इनकार कर दिया। वहीं रूस ने कहा कि उसके बलों ने शहर को लगभग पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है, उसने युद्ध विराम का कोई संकेत नहीं दिया। बता दें कि यूक्रेन में अपनी कार्रवाई को मॉस्को विशेष अभियान कहता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि प्रतिबंधों के कारण या खरीदारों के स्वेच्छा से रूसी कार्गो से दूर होने की वजह से मई के बाद लगभग 30 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल बाजार में कम हो सकता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं, बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।